हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अर्थात सरकारी नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ परीक्षाओं में पूछता है कि दिल्ली की राज्यपाल कौन है, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल कौन है, मिजोरम के नए राज्यपाल कौन है, ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिले होंगे। तो दोस्तों, इससे ही संबंधित है इस क्वेश्चन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अर्थात जितने भी राज्यपाल हैं अर्थात 29 राज्यों के राज्यपाल कौन हैं, इस वीडियो में आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, 10 मिनट का वीडियो है, आप ज़रूर देखें। और बात रही दोस्तों इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आप डाउनलोड भी करके पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर वन पे। क्वेश्चन नंबर वन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन दिया है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो है वजू भाई वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो, त्रिपुरा के गवर्नर किसे बनाया गया है। ठीक है, त्रिपुरा के जो नए गवर्नर हैं उनका नाम पूछा गया है कि उनका नाम क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कप्तान सिंह सोलकी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर तीन, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। ठीक है, क्वेश्चन में तो इतना ही दिया है कि तमिलनाडु के राज्यपाल, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वो है बनवारी लाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर चार, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो उत्तर प्रदेश के फिलहाल जो राज्यपाल हैं वो है राम नाइक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँच, असम के राज्यपाल कौन है। तो जो असम के राज्यपाल हैं वो है जगदीश मुखी अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, गोवा के राज्यपाल। तो फिलहाल जो गोवा के राज्यपाल है वो कौन है। तो गोवा के राज्यपाल हैं विजय मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, उड़ीसा के राज्यपाल हैं। तो उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं। तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल। तो ये हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नौ पे। क्वेश्चन नंबर नौ दिया है, राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं। तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं कल्याण सिंह अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर दस, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं। तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं। तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्या। तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। तो जो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बारह, केरल के राज्यपाल कौन है। तो केरल के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर तेरह, गुजरात के राज्यपाल कौन है। तो जो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं वो हैं ओम प्रकाश कोहली अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौदह, पंजाब की राज्यपाल कौन है। तो जो पंजाब के राज्यपाल हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के राज्यपाल कौन है।
तो जो दिल्ली के राज्यपाल हैं अर्थात वर्तमान में जो दिल्ली के राज्यपाल हैं वो है अनिल बैजल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो जो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं वो है ऑप्शन नंबर ए अर्थात आनंदी बेन पटेल मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, अर्थात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ये आनंदी पटेल राज्यपाल है, अर्थात ये दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मिजोरम के गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो वर्तमान में मिजोरम के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात जगनीश मुखी मिजोरम के गवर्नर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो जो वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल हैं वो हैं पद्मनाभ आचार्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन बने हैं? तो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात सत्यपाल मलिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात केसरी नाथ त्रिपाठी जो हैं ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है राज्य इनके पूछ रहा है कि राज्यपाल कौन है, तो इन दोनों राज्यों के राज्यपाल जो हैं ऑप्शन नंबर ए अर्थात ESL नरसिंहन, ठीक है। तो ये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है वो कौन है? तो जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो हैं सी विद्यासागर राव, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी अर्थात कृष्णा पाल, तो ये बी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। दोस्तों मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें आपको बताया है 29 राज्यों के मुख्यमंत्री कौन है, जो जून का अपडेट है अर्थात जून 2019 का न्यू वीडियो है, अपलोड किया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं यदि नहीं देखे हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के जो नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो जो दिया है सत्य देव नारायण आर्य, जो हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मेघालय के जो राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है ये किसे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात तथागत राय को नियुक्त किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वो कौन है? तो VD मिश्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं, आचार्य देवव्रत ये हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसी वीडियो में केवल इतना ही क्वेश्चन आपको प्राप्त होगा। यदि आप इसी तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, और हमारे वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको नीचे दिख रहे रेड बटन को दाबकर आप सब्सक्राइब करना, और थोड़ी देर में आपको बेल आइकन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।